हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टे स्मार्ट। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल फोन से किस तरह से फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बना सकते हो। दोस्तों, अब तक हम अपने WhatsApp स्टेटस पर कुछ इस तरह की वीडियो रखा करते थे, लेकिन दोस्तों अब आजकल हर कोई फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो रखना पसंद करता है। तो दोस्तों, ऐसे में मैंने 2-3 वीडियोस अपने वीडियो एडिटिंग रिलेटेड से चैनल पर बनाए थे, तो वहां पर मुझे काफ़ी कॉमेंट्स आ रहे थे कि फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो कैसे बनाए बताओ आप, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं आपको क्विक एप्लीकेशन का यूज़ करके आप किस तरह से इस तरह का फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बना सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी इंटरेस्टेड है इसमें तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बड़ा ही सिंपल मेथड है दोस्तों, आप बड़े आसानी से इस तरह के स्टेटस वीडियो बना सकते हो। सो या गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों, फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है क्विक। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर बड़े आसानी से मिल जाएगा, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्रिएट ए न्यू वीडियो, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ से अपने फोटोज और वीडियोज को सेलेक्ट कर लेना है जिन्हें आप अपने स्टेटस में ऐड करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी वीडियोस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और फोटोज और वीडियोस को सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर से राइट पर क्लिक कर देना है। ओके कर देने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड ए टाइटल इंट्रो, तो आप यहाँ पर से कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके वीडियो के स्टार्टिंग में प्ले होगा। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इसे स्किप कर देता हूँ। तो जैसे ही स्किप कर देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जो फोटोज़ को सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब आपने फोटोज़ को तो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया है, तो अब हमें इसके पीछे एक सॉन्ग भी ऐड करना होता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर म्यूज़िक पर क्लिक करना है, और म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है जब तक आपके पास म्यूज़िक लाइब्रेरी का ऑप्शन ना आ जाए। उसके बाद म्यूज़िक लाइब्रेरी पर क्लिक कीजिए, उसके बाद माई म्यूज़िक। यहाँ पर से आप सॉन्ग को सर्च भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर से कोई भी सॉन्ग को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी एक सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉन्ग सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ये सॉन्ग लोड होगा। तो अभी जो मैंने सॉन्ग को सेलेक्ट किया है वो सॉन्ग यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन ये सॉन्ग ऐड होगा फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमें इसे बीच में से रखना है। कुछ बोल हमें चाहिए जिस पर हम स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो हमें उसे वहाँ से स्टार्ट करवाना होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है सेटिंग्स पर, और सेटिंग्स पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो म्यूज़िक स्टार्ट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक स्लाइडर मिल जाता है, तो आप यहाँ से स्लाइड करके यहाँ पर आपको प्ले होगा वो सॉन्ग, तो आप सुनकर रख सकते हो। मैं फ़िलहाल ऑडियो म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ही इशू चल रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑडियो जो है वो म्यूट कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर से मेरा सॉन्ग स्टार्ट होना चाहिए, तो आप सुनिए, आप सुनकर अच्छे से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से राइट कर देता हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं यहाँ से यूज़ करूँगा मेरा फेवरेट वाला जो है टिंटेड, तो मैं यहाँ पर से ये वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो अब आपने फोटोज़ को भी ऐड कर दिया है, सॉन्ग को भी ऐड कर दिया है, और इफेक्ट को भी सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको लिखना होगा यहाँ पर से टेक्स्ट, तो इसके लिए आपको यहाँ पर पेंसिल पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपके ये जो सारे फोटोज़ है, टाइल्स है, वो आ चुके हैं। तो आपको यहाँ पर से आना है अपनी पहली पिक पर, और पहली पिक पर आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक प्ले का बटन दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से प्ले करना है। प्ले करके आपको सुनना है इस फोटो के ऊपर कितना आपका सॉन्ग आया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट किया है तेरी मेरी प्रेम कहानी, तो इस फोटो पर शायद होगा तेरी मेरी। मैं ऑडियो फिलहाल म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो फॉर एग्जाम्पल तेरी मेरी, तो आपको यहाँ पर वो लिखना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो ऐड टेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है जो भी आपके लिरिक्स हो। अच्छे से सुन के मैं आपको यहाँ पर जस्ट बता रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तेरी मेरी, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो टेक्स्ट है वो ऐड हो चुका है तेरी मेरी। नेक्स्ट पिक पर होगा प्रेम कहानी, तो आप यहां पर देख सकते हो ये भी ऐड हो चुका है प्रेम कहानी। इसी तरह से आपको सारे पिक्स पर सुनना है, और सुनकर देखना है कि किस पिक पर कितना ऑडियो आया है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। मैं यहां पर से थर्ड पिक पर भी लिख देता हूं,
तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 पिक्स पर लिख दिया है। तो मैं यहाँ से आपको एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये मेरी पहली पिक है और ये सेकंड वाली और ये थर्ड वाली। तो इसी तरह से आप सारे पिक्स पर अच्छे से देखकर, अच्छे से थोड़ा टाइम देखकर आप लिख सकते हो। तो चलिए एक बार क्लिक करते हैं पेंसिल पर और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 3 फ़ोटोज़ पर लिखा है टेक्स्ट सिर्फ। आप यहाँ पर से सारे फ़ोटोज़ पर अच्छे से बढ़िया तरीके से लिख सकते हो। इसी तरह से आपका जो स्टेटस वीडियो है वो बहुत ही बढ़िया बन सकता है। और दोस्तों अगर आपकी कोई वीडियो थोड़ा स्पीड जा रही है, आप उसका ड्यूरेशन कम करना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो ड्यूरेशन। तो आप यहाँ पर से प्लस अगर करोगे तो ये इसका जो ड्यूरेशन होगा वो एक्सटेंड होगा। अगर कोई फ़ोटो स्लो जा रही है, आप चाहते हो वो फ़ोटो थोड़ा जल्दी जाए, तो आपको यहाँ पर माइनस पर रखना है। तो इस तरह से आप यहाँ से ड्यूरेशन को एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही सिंपल सी वीडियो और इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे फुल स्क्रीन स्टेटस वीडियो बना सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो या गाइस मिलता हूँ एक और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।